गाइस बचा गेम में आपका स्वागत है। और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एपिसोड नंबर 7। हमारा एपिसोड नंबर 7 चल रहा है माइनक्राफ्ट का। पिछले एपिसोड में हमने इस कासल को बड़ी मेहनत के साथ, बड़े ही कारण गोलम के साथ हमने एक कासल को जीत लिया था फाइनली। और हमें यहाँ से बहुत सारा खजाना मिला गाइस, जो इन्होंने पता नहीं कैसे यहाँ पे जमा कर रखा था, जिसमें आयरन ब्लॉक्स बहुत सारा खजाना था। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम ये कासल पे रख लेते, लेकिन यहाँ पे कासल तो खतरा बहुत है। जब यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर आ सकते हैं तो और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं ना। तो हम इस कासल को छोड़ के जाएंगे गाइस, बाय बाय। तो टोनी भैया और काका भैया तैयार हो जाइए, तब तक हम नीचे का दायरा करके आते हैं कि क्या हो रहा है गाइस सामने। ओ भाई साहब, इतने सारे वेदर स्केलेटन की फौज आर्मी। ओ भाई साहब, नीचे भी बैठा है एक, तो इंतजार में हमारे। ओ भाई साहब, ये तो बहुत सारे, इन्होंने तो सारे हमारे आयरन गोलम्स को मार दिया है। ओ शिट, हमने पिछली बार गार्डियन को नीचे जाके, मतलब ऑफ वीडियो, हमने मार दिया था गार्डियन को, नहीं तो वो हमारे को मार देता गाइस। ये जाने क्या हो गया गाइस, इतने सारे स्केली कहाँ से आ गए। ओए देखो, नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने हमें भी इफेक्ट दे दिया गाइस। भाई साहब, इधर तो पूरी फौज आके बैठी है, इनको फोड़ना पड़ेगा। चलो गाइस, ये क्या हो रहा है गाइस, हमारे पास इतना क्यों हो रहा है, हमने तो इनको पूरा खत्म कर दिया था, ये फिर से इतने सारे आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सुनो, मुझे पप्पू समझ रहा है। मेरे पास जब तक गोल्डन एप्पल है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम कितना ही फेक मुझे दे लो, आई डोंट केयर। ओके, फक। ओहो, ये तो बगल में बैठे हैं, कहते ही मेरे को आयरन गोलम की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी सेना में अकेला समाप्त कर सकता हूँ। तुमने क्या सोचा मैं चूमू? यू थिंक यू आई एम चूमू? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये हमला करने की कैसे सोची? मानना पड़ेगा हमको, हमारा हथियार निकालना ही पड़ेगा। हेलो,
यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे हमको क्यों नहीं मारे, चिपक के क्या का ये लगता है। मार रहे बहुत बुरा मार रहे हमको लगता है। चलो यार ओके आई जी, हमारे सारे एप्पल खत्म होने वाले लगता है हमको। मेरे पास एक आइडिया है, इनको क्यों मार रहे हो बे। अरे क्या हमें उन्हें मारना चाहिए या यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है यार। आप खैर इनसे ज्यादा वालों से भी हमने डील करी, लेकिन लगता है मुझे इनका बॉस वॉस यहाँ पे नहीं है। अभी हम पे हमला, ये नाव पे तो हमला कर नहीं पाएंगे यार। अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे हैं। गाइस चीयर अप कर दो यार। गाइस हम कितनी कितनी वो लगाते अपने वीडियो में, कितनी जान की बाजी लगाते, लेकिन लाइक कोई नहीं करता। मेरी वीडियो को लाइक क्या, देख लिया करो, लाइक मत करो करो। आई प्रॉमिस यू, देखो अभी मेरे पास पीसी नहीं है, मैं अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी हम पीसी का जुगाड़ करेंगे और अब अच्छी एडिटिंग करके आपको वीडियो पेश करेंगे। जब तक तो केयर हमें इसी तरीके से। लेकिन गाइस हमने ये इनकी सेनाओं को बिल्कुल लगभग खत्म कर ही दिया गाइस। ओके गाइस ये देखो, गाइस चीयर अप करो यार, बस ये नमूने बचे, ये नमूने मैं एप्पल खा लेता हूँ, मेरी लाइफ भी खत्म होने वाली। क्या यार, खैर हमारे पास अभी बहुत गोल्ड है, तो हम बहुत सारा गोल्डन एप्पल बना सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है गाइस, तो इंचेंट भी कर लेंगे हम। तो गाइस सारे खत्म हो चुके, चंपू बचे हुए हैं। कहाँ जाने का प्लान है, सरकार तो लुट गई तुम्हारी। पहले तो बहुत रात हो गई है, इतनी रात में इतनी मेहनत करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें। आओ भैया, तुम्हारी तुम्हारी और कमी थी, तुम ही बच रहे थे बस, सब आ गए थे, सभी आ चुके। बस ध्यान ना पड़े हमारा, हमारे पे
कते हमारा ध्यान हमारे पे ध्यान पड़ने से पहले तो गाइस ये हमसे ना हो पाए बहुत। हम तो चलते हैं यहाँ से, तो हम ये आयरन गोलम्स को ही संभाल ले तो यहाँ का राजपाट बड़ी के तो बड़ी मुश्किल के बाद हमने इनको अपने साथ, अरे क्या कर रहा है बे, बोलने देना बताने दे, इनको बिठा लिया है टोनी भाई और काका भाई को, और साथ में एक बॉडीगार्ड भी हम लेके जा रहे हैं ताकि रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बॉडीगार्ड पहले संभाल ले। तो चलते हैं, सफ़र जारी है हमारा, बहुत लंबा सफ़र है। ऐसे सब ले तो लिया है ना हमने, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। हाँ इसमें सजावटी चीज़ें, इसमें गोल्ड है, इसमें डायमंड है, इसमें एमरल है। ओए तेरी भैंस की टांग भाई, क्या हो गया तेरे को यार? वीडियो भी मैं कुछ कर रहा तेरा, जा रहा हूँ मैं, मेरे को मालूम है कासल साला, अब हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके ओके गाइस देखो, और आर्मी आ रही है, हमको इनसे बिल्कुल पंगा नहीं लेना, हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ छुड़ा के सब कुछ। ये नज़र पड़े क्योंकि अभी हमारे साथ टोनी भाई और काका भाई है, हमें इनको पहले सेव करना, बाद में कुछ एक बाद में इनका कुछ करेंगे। ओके चले चलो, मतलब बहुत यार बहुत ही कुछ हो, बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया यार यहाँ पे, तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ होगा। इस जंगल को इस पार करना है, यहाँ पे पानी निकल रहा है, किसने पानी छुड़वा दिया बे तेरा? चलो चल के पहले अपने घर पहुंचते, बाद में फिर क्या यार, मैं कासल की तरफ क्यों मुड़ गया वापस से। ओके गाइस हम बहुत मुश्किल के बाद यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये पीछे देख रहे हैं बॉडीगार्ड मिस्टर के, और तो भैया उतर जाओ, हो गया अपना कार्यक्रम पूरा। अरे दादा नहीं मार रहा था, चलो हो गया। काका भाई और टोनी भाई अपने बच्चे का कितना प्यार है ना अपने पोता पोतियों से, उतरते से अपने बच्चों के पास चले गए। तो हमारे पास ये कपड़े पड़े हुए थे तो हमने इनको ये कपड़े दे दिए, इन्होंने के पता नहीं कपड़े कहाँ गए दोनों के, पता नहीं बेचारों के कपड़े के क्यों छीन लिए थे पता नहीं। तो हमारे पास अभी बहुत सारा खजाना आ चुका है गाइस, खजाना। अब हम गरीब नहीं रहे गाइस, अब हम अमीर हो चुके हैं। हमारा घर, हम घर को और विस्तार बढ़ा देंगे, हम घर का और रखेंगे क्योंकि हमें अब और काम करने के लिए। ये क्या है यार, इधर रखो गाइस, लाइट हो तो साला। ए बाबू क्या चाहिए तुम्हें? खजाना नंबर वन आयरन, गोल्ड, ऊपर भी तो हम इन्हें ऊपर भी रख सकते हैं, तो ऊपर रखते हैं यार, लोगों की पहुंच से ऊपर रखो क्योंकि ये साले बहुत चालाक है। ओके इसको थोड़ा दूर रखते हैं, नहीं तो हम इसको खोल ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा इसको लेके आने का। गाइस सो जाओ सारे, अब ये सारे सो चुके हैं। ओके तुम्हारे लिए बेड, हम बेड की व्यवस्था इधर बहुत सारी है। ये टोनी भाई यहाँ सो चुके हैं, पता नहीं इनको किस बात की खार आ रही है। काका भाई टोनी भाई
कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है हमें बताओ। उसका नाम, उसका नाम और उसको हम दोनों ठीक कर देंगे भाई साहब। अरे रे, तुम्हारे बेड भी टूट गए क्या? अभी हम इसको अभी हमारे पास सामान की कोई कमी नहीं है। टेंशन नक्को लेने का रे बाबा। जो भी कुछ लफड़ा होएगा हम इससे ठीक करेगा। अभी तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, क्योंकि हमें बस वहाँ से यहाँ तक आना था और कुछ करना नहीं था इस वीडियो में। हमने फिर भी बहुत कुछ कर दिया। आयरन गोलम है यहाँ पे बहुत सारे और हम और तैनात कर दे जाएंगे। अब सुरक्षा हम बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि हमले पे हमले होते जा रहे हैं। जो गलती हमने पिछली बार करी थी टोनी भाई और काका भाई को खोने की, वो इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उनको लाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेगा इस। और ये हम देखूँ हमें कामला कौन करवाता है यार ये, क्योंकि मेन बॉस तो मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला। मेन बॉस तो अभी भी फरार ही चल रहा है। वो ऊपर देख रहा है और ये नीचे इसकी फेल रहा है। क्या यार, क्या आयरन गोलम, क्या गुंडा बनेगा रे तू। मैं भी क्या गुंडा बनूंगा यार, एक पंपकिन नहीं लग रहा मेरे से। तब तक तो आयरन गोलम की ले लेगा अच्छे से। अरे भाई यार, क्या हो गया तुमको, क्यों मार रहे हो पकड़ में? इधर आओ, इधर इधर मारो। देखना भैया बॉडीगार्ड, क्या क्या है इनको, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बॉडीगार्ड, देखो हमरे बॉडीगार्ड से पंगा नहीं ना लेना, नहीं तो तुम्हारा पोपट बना देगा बे। हमरा एक बॉडीगार्ड मारे हो तुम्हारे 10। आओ, तुम्हें हावली खिलाते बे यार। गोलम, आयरन गोलम की वो बढ़ानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आने लग गए हैं। तो बेचारा ये बार क्यों सो रहा है यार? ऐसे हेलोवीन आ रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी सुरक्षा और बढ़ा देंगे गाइस। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।